आज हम सर्कल और ओवल से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स करेंगे। सबसे पहले है मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर टू सर्कल, यानी हमने सर्कल की तरह लगने वाले ऑब्जेक्ट्स को सर्कल के साथ मैच करना है। सर्कल किसे कहते हैं? इस तरह की एक राउंड शेप जिसका कोई कोना नहीं होता, उसे हम कहते हैं सर्कल। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों की तस्वीरें दी गई हैं जिनमें से सर्कल की तरह लगने वाली तस्वीरों को हमने सर्कल के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले है एक टायर। टायर कैसा होता है? बिल्कुल गोल यानी राउंड शेप। तो क्या ये सर्कल की तरह है? ये बिल्कुल सर्कल की तरह है, तो इसे हम सर्कल के साथ मैच कर लेते हैं। अगली शेप है एक बॉल। तो क्या ये सर्कल की तरह है? ये गोल तो है लेकिन सर्कल की तरह बिल्कुल गोल नहीं है, ये दो तरफ से थोड़ी सी लंबी है, तो ये सर्कल नहीं है, इसे हम सर्कल के साथ मैच नहीं कर सकते। उसके बाद है एक बिस्किट जो कि बिल्कुल गोल है यानी राउंड शेप का है, तो इसे हम सर्कल के साथ मैच कर लेंगे क्योंकि ये सर्कल की तरह है। उसके बाद अगली तस्वीर है एक सोप की यानी साबुन की। तो क्या ये सर्कल की तरह है? ये गोल तो है लेकिन दो तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, तो ये सर्कल की तरह नहीं है, इसे हम सर्कल के साथ मैच नहीं करेंगे। तो ये हमने अपनी पहली वर्कशीट कर ली, यानी सर्कल की तरह नज़र आने वाली चीज़ों को हमने सर्कल के साथ मैच कर लिया। अब हम अगली वर्कशीट करते हैं। मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर टू ओवल। अब हमने ओवल की तरह दिखने वाली चीज़ों को ओवल के साथ मैच करना है। ओवल किसे कहते हैं? इस तरह की एक गोल शेप जो कि दो तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है, उसे हम कहते हैं ओवल। यहाँ पे हमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं जिनमें से जो ओवल की तरह नज़र आती हैं उन्हें ओवल के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले एक टायर है जो कि बिल्कुल गोल है, लेकिन ये ओवल की तरह दो तरफ से लंबा नहीं है, तो इसे हम ओवल के साथ मैच नहीं करेंगे। उसके बाद एक बॉल है जो कि गोल है और दो तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, तो ये बिल्कुल ओवल की तरह है, इसे हम ओवल के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद एक बिस्किट है जो कि बिल्कुल गोल है, तो क्या ये दिखने में ओवल की तरह है? ये ओवल की तरह नहीं है क्योंकि ये गोल तो है लेकिन दो तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं है। उसके बाद अगली तस्वीर देखें तो ये एक सोप है यानी साबुन। क्या ये दिखने में ओवल की तरह है? ये बिल्कुल ओवल की तरह है यानी दो तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, तो इसे भी हम ओवल के साथ मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ओवल की तरह नज़र आने वाली चीज़ों को ओवल के साथ मैच किया। अब हम अपनी अगली वर्कशीट करते हैं। सॉर्ट द शेप्स, यानी हमने इन चीज़ों को तरतीब से रखना है इस तरह से कि जो सर्कल की तरह है उन्हें हम सर्कल वाले खाने में रखेंगे और जो ओवल की तरह है उन्हें ओवल वाले खाने में रखेंगे। तो सबसे पहली शेप कौन सी है? सर्कल है, बिल्कुल राउंड शेप है और इसका कोई कोना भी नहीं है, इसे हम रखेंगे सर्कल वाले खाने में। अगली शेप देखें तो ये कैसी शेप है? ओवल की तरह, दो तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, तो इसे हम रखेंगे ओवल वाले खाने में। उसके बाद अगली तस्वीर है एक वाटरमेलन की यानी एक तरबूज की। तो ये दिखने में किसकी तरह है? बिल्कुल ओवल की तरह, तो इसे हम रखेंगे ओवल वाले खाने में। उसके बाद अगली तस्वीर है एक स्टीयरिंग व्हील की। तो क्या ये दिखने में किसकी तरह है? सर्कल की तरह, बिल्कुल गोल है, तो इसे हम कहाँ रखेंगे? सर्कल वाले खाने में। उसके बाद एक बॉल है, ये किसकी तरह लग रही है? सर्कल की तरह, इसे हम रखेंगे सर्कल वाले खाने में क्योंकि ये बिल्कुल गोल है। उसके बाद अगली तस्वीर देखें तो ये एक बॉल है और ये किसकी तरह लग रही है?
ओवल की तरह दो तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, इसे हम रखेंगे ओवल वाले खाने में। उसके बाद अगली तस्वीर है एक एग की, एग यानी अंडा, और ये किसकी तरह लग रहा है? ओवल की तरह दो तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, इसे हम कहाँ रखेंगे? ओवल वाले खाने में। अगली तस्वीर देखें तो ये एक क्लॉक है जो कि बिल्कुल गोल है, तो ये किसकी तरह है? सर्कल की तरह, तो इसे कहाँ रखेंगे? सर्कल वाले खाने में। तो यहाँ पे हमने सर्कल और ओवल की तरह लगने वाली चीज़ों को तरतीब से इस टेबल में रख दिया। तो आज हमने सर्कल और ओवल से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स की हैं।